नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, 5 साल बाद मकर संक्रांति पर आया शुभ संयोग। मकर संक्रांति का पर्व इस साल 14 जनवरी दिन शनिवार को मनाया जाएगा, वह भी सायंकाल में। 5 साल बाद मकर संक्रांति का ऐसा योग आया है कि 2013 में मकर संक्रांति की इस तरह का योग आया था। उस समय भी दिन के 2 बजे से मकर संक्रांति का पुण्य काल प्रारंभ हुआ था। इस साल भी वैसा ही योग बन रहा है। स्नान दान का शुभ मुहूर्त, इस साल 14 जनवरी दिन शनिवार को दोपहर बाद 1:56 बजे से मकर संक्रांति का पुण्य काल प्रारंभ हो रहा है तथा शाम 5:17 बजे तक पुण्य काल रहेगा, यानी मात्र 3 घंटा 19 मिनट ही संक्रांति जन्य पुण्य काल रहेगा। बताया कि इस अवधि के मध्य ही स्नान दान समेत अन्य कार्य करना शेष कर रहेगा। तैयारी में जुटे लोग, मकर संक्रांति की तैयारी में लोग जोर शोर से जुट गए हैं। अभी से चूड़ा दही की व्यवस्था में भोग लग गए हैं। वहीं मकर संक्रांति को ले बाजारों में चहल पहल भी बढ़ गई है। चौक चौराहों पर नई नई दुकानें भी सज गई हैं। बता दें कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने के लिए बक्सर में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ जुटती है। दूसरे जिलों के अलावा पड़ोसी राज्य यूपी से भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।